और महासमुंद में करीब 1 करोड़ रुपए का धान खरीदी घोटाला सामने आया है। यहाँ के कई धान खरीदी केंद्रों में धान की बोगस खरीदी की गई है। सांकरा ब्रांच की सहकारी समिति परसवानी में 4000 क्विंटल धान की बोगस खरीदी हुई। घोटाला कैसे अंजाम दिया गया इसे आंकड़ों के जरिए आप समझिए। यहाँ पर साल 2021-22 के बीच 4,59,72,500 रुपए में 58,389 क्विंटल धान खरीदी गई। इसमें 14 मार्च 2022 तक टीओ के जरिए 23 मार्च 780 क्विंटल धान खरीदी केंद्र से उठी। मिलर्स को 34,609 क्विंटल का डीओ जारी हुआ और इसमें से 29,819 क्विंटल धान का ही उठाव हुआ। बाकी बचे 4,790 क्विंटल धान का उठाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परसवानी के सेंटर में सिर्फ 800 क्विंटल धान ही है, जबकि ऑनलाइन देखने पर यहाँ 4,790 क्विंटल धान का होना बताया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए महासमुंद कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कार्रवाई की बात कही है। बहुत सी परेशानियां आती है सर, धान उठाव नहीं होता है तो हमारा चावल नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में लिखता है कि धान इतना उठेगा तभी चावल मिलेगा, उसके अनुपात में चावल जाता है। तो एक उठाव नहीं होने से, दिखाई नहीं देने से चावल नहीं जा पाता है। बारदाने की तकलीफ होती है, पेनाल्टी लगती है हम लोग को, 10 दिन के बाद पेनाल्टी लगती है। ये कोई देखने नहीं आता कि किस वजह से धान उठाव नहीं हो सका है, केवल 10 दिन का एक फिक्स फार्मूला बना दिया गया, उसके आधार पर हमको पेनाल्टी लगते रहती है। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन हमारी इन तकलीफों को समझेगा और यथोचित हल निकालेगा, अब आगे काम सही होगा। प्राइमा फेसी प्राथमिक दृष्टि लगती है कि गड़बड़ी की गई है, उनमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, FIR भी किया जाएगा। जो समिति का प्रबंधन समिति की जो कार्य समिति है उसको भी भंग किया जाएगा। तो और जो भी धान की जितना कमी पाई जाती है उसमें गबन का मामला दर्ज किया है, 420C का मामला दर्ज किए हुए कार्रवाई की जाएगी।